नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनी मंत्रा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अफगानिस्तान आयरलैंड फिफ्थ ODI के लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस मैच से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें कंसीडर करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, हामिद हमजा ने पिछले 6 मैचों में केवल 4 विकेट्स निकाली हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि उन्हें इस मैच में रिप्लेस कर दिया जाए। दोस्तों गैरी विल्सन भी पिछले 2 मैचेस में काफ़ी अच्छे टच में लगे हैं, तो अगर हम चाहें तो उन्हें हम अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम में ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों शफीकुल्ला ने पिछले जो पूरी सीरीज में है उनकी जो एवरेज रही है वो है 63.5 की, तो काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी बढ़िया उन्होंने पूरी सीरीज में परफॉर्म किया, तो हम उन्हें अपनी टीम में ज़रूर रखेंगे। अब दोस्तों पिच कंडीशंस की बात कर लेते हैं। पिच कंडीशन जो है वो पिछले मैचेस की तरह बिल्कुल सेम रहेगी। टीम न्यूज़ की दोस्तों अगर बात करें तो शाहिदी को रिप्लेस किया जा सकता है और नाजीबुल्ला जरदान या फिर किसी और को टीम में रखा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान इस मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आएगी। दोस्तों अगर केविन ओब्रायन कल का मैच नहीं खेलते हैं तो नाइल ओब्रायन टीम में वापसी करेंगे, और दोस्तों केविन ओब्रायन के कल के मैच खेलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। पिछले मैच में उन्हें मैच के दौरान इंजरी फिर से एक बार उनकी हो गई थी, तो इस मैच में शायद वो नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आमिर हमजा को इस मैच में रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है सीरीज़ में। नूर अली जद्दन की टीम में वापसी हो सकती है, क्योंकि फिर से एक बार वही सेम रीज़न कि अब इस बार अफगानिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आएगी। दोस्तों अब जो बात आती है केविन ओब्रायन कल का मैच खेलेंगे या नहीं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से कल का मैच केविन ओब्रायन अभी तक तो नहीं खेलेंगे। अगर फिर भी कोई टीम न्यूज़ आती है तो पिछली बार की तरह हम मैच से पहले अपडेट कर देंगे। पिछले मैच में हमने मैच से कुछ एक घंटे पहले हमने ये अपडेट किया था कि केविन ओब्रायन को आप टीम में ज़रूर रखिए, क्योंकि उनके खेलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जिन लोगों ने मैच से पहले हमारी वेबसाइट को खोला और हमारी पोस्ट जो है वो पढ़ी थी, उन सब लोगों का सब लोगों की टीम में काफ़ी अच्छी रैंक कर गई थी पिछले मैच में, तो दोस्तों उन सब लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार मैच से पहले आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट किया कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई अपडेट्स हमें देनी पड़ती है तो हम वेबसाइट पर अपनी एक पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सपेक्टेड 11 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो संकत जाही, हमजा और फरीद अहमद में से कोई एक, दावरा जद्दन, नबी शहजाद, शफीकुल्ला, रहमत शाह, रशीद खान, नूर अली जद्दन, नायब शहीदी या नाजीबुल्ला जर्दान। उसके अलावा आयरलैंड की बात करें तो पोर्टरफील्ड, थॉमसन, गैरी विल्सन, मुर्ताग, एंडी बालब्राइन, एनजे ओब्रायन, एमसी ब्रायन, पॉल शीरिंग, जोइस मडलर और डोकरल। तो दोस्तों अब की प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं, तो पॉल स्टेरिंग, मोहम्मद शहजाद, रशीद खान और मोहम्मद नबी। दोस्तों अगर आपको फुल प्रीव्यू पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट profantasycricket.com पे विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको टीम कैसे बनानी है इस मैच में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो मोहम्मद शहजाद को आप टीम में रख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए हो सकते हैं। नाइल ओब्रायन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कल तो उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो खेलेंगे। मोहम्मद शहजाद दोस्तों पिछले 2 मैचों में कुछ खास नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अब इस मैच में उनकी अच्छी खासी इनिंग आ सकती हैं। और केविन ओब्रायन अगर नहीं खेलेंगे तो दूसरी तरफ आयरलैंड की बॉलिंग भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। बैट्समैन की बात करें तो दोस्तों असगर संकत जाही को ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर मैच में कुछ ना कुछ वो पॉइंट्स दे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शफीकुल्ला शफीक और एंडी बालब्राइन और गैरी विल्सन में से किसी एक को ले लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैरी विल्सन दोस्तों पिछले 2 मैचों में काफ़ी अच्छी फॉर्म में लगे हैं, वो फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गैरी विल्सन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको करनी है रोटेशन पॉलिसी, आपको प्लेयर्स रोटेट करनी है अपनी डिफरेंट टीम में, तो इसका ऑप्शन अभी हम रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर की बात करें तो पॉल शेरिंग, नबी और 3 बॉलर्स दोस्तों रशीद खान, दावला जद्दन और तीसरा बॉलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो कि आयरलैंड से होगा। तो यहाँ पे मैं इस बार एंडी एमसी ब्रायन के साथ चले जाते हैं हम, क्योंकि वो बैटिंग भी करेंगे, ऑलराउंडर हैं। तो अब दोस्तों हमें 3 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम गैरी विल्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम नूर अली जद्दन के खेलने के चांसेस हैं, हम नूर अली जद्दन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप नायब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके चल रहा हूँ, तो मैंने नूर अली जद्दन को जैसे सेलेक्ट कर लिया, तो ये कोई फिक्स नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी रिस्क लें, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, आप सेफ खेलिए। तो ये मैं हर मैच में रिस्क लेता हूँ, पिछले मैच में मैंने केविन ओब्रायन का रिस्क लिया था तो वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मेरे सभी लीग्स में अपनी जीता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस बार नूर अली जद्दन के साथ जा रहा हूँ, आप चाहे तो नायब के साथ जाइएगा, कोई इसमें इतना मैटर नहीं करेगा। तो एक टीम में दोस्तों अब आप पोर्टरफील्ड के साथ जा सकते हैं, पोर्टरफील्ड और एंडी एमसी ब्रायन, आपके पास ये 2 ऑप्शन बने रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक टीम में आप पोर्टरफील्ड को ले लीजिएगा, एक टीम में आप एंडी बालब्राइन को ले लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए,
तो अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपके लिए काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शन है। तो मेरे लिए हमेशा की तरह बेस्ट रशीद खान को कैप्टन मैं रखूंगा। वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों मोहम्मद शहजाद काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, नो डाउट थोड़ा रिस्क होता है। अभी तक उनके बल्ले से कोई इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं आई है पिछले दो मैचों से, तो मुझे लगता है कि ये मैच में उनके बल्ले से एक अच्छी इनिंग्स आ सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे कल के मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको सभी लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टीम अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी मनी मेकिंग ट्रिक आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे दोबारा आइएगा।